उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला यूपी के उन्नाव का है। उन्नाव में बेखौफ बदमाशों ने चलती ट्रेन में एक युवती के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर इन मनचलों ने महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में युवती को पीएससी फतेहपुर 84 में भर्ती करवाया गया है। लड़की घर से दवा लेने गई थी, दूसरा लड़का जाता था, पहला यहाँ तुम दवा लेके चले, अच्छी लेवा देंगी मंगल मुंगा, तो साथ में चले गई। के बाद में यहाँ कुछ भी झगड़ा झंझट भी नहीं हुआ, तो धमकी दी नहीं कि तुमको मार डालेंगी, यो तो पहले गला बता देंगे, तो गाड़ी से नीचे फेंक दिया। गाड़ी से नीचे फेंक दिया, गाड़ी से नीचे फेंक दिया। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती सोमवार को दवा लेने के लिए देर शाम बालामऊ पैसेंजर ट्रेन से बांगर मऊ जा रही थी। रास्ते में एक मनचले ने युवती से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। महिला ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो इस मनचले ने चलती ट्रेन से महिला को धक्का मार दिया। युवती को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। हीरापुर रेलवे क्रॉसिंग पर जख्मी हालत में युवती को पड़ा देख ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। सर हम दवा लेने जा रहे थे, हाँ। क्रॉसिंग से दवा लिवाना चल के हमने साथ हमने मना किया, फिर उन्होंने हमें गोद उठा के हम बैठने के ट्रेन को बैठा दिया, उसके बाद में सीट पे आराम से बैठा दिया, कुछ समय तक दवा लेने कहाँ जा रही थी? यूपी में एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि योगी राज में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं। दिन दहाड़े बिना किसी डर के बदमाश कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जल्द ही यूपी सरकार को इन अपराधियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मामला यह है कि रेखा नाम की बच्ची, पिता का नाम राम रतन, ये यहीं सेलापुर की रहने वाली है, जो कि कल 108 से आई थी, तो इसको जो है चोटें आई हुई थी शरीर में, तो कई जगह इसके टाके वगैरह लगाए गए हैं और कुछ जगह पट्टी वगैरह, बाकी अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन पे रखे हैं उसको, तो जैसा भी होगा अगर रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रेफर भी किया जाएगा। फिलहाल उसकी स्थिति नॉर्मल है।